वैक्सीन से जुड़े हुए 9 अपडेट्स आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें से 6 अपडेट पे हम बात करने वाले हैं कि कल DGCI की पैनल मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिए, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो उसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है जो आपको 5 से लेकर 7 महीने तक कोरोना के री इन्फेक्शन से बचाए रखेगी। बुक करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी 10% डिस्काउंट के साथ, बुक कर लो। फ्री में पेज नंबर कलेक्ट होगा, विद इन 48 आवर्स आपको थायरोकेयर से ईमेल पे रिजल्ट भी मिल जाएगा, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेस्ट हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। पहले अपडेट के ऊपर बढ़ते जुड़ा हुआ है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के साथ। यहाँ पे इंडिया में शायद से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को तब अप्रूवल मिलेगा जब UK उसे अप्रूव करेगी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं, उससे पहले हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है कोल्ड स्टोरेज के साथ। यहाँ पे सेंटर से सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में कोल्ड स्टोरेज के जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि वॉकिंग कूलर, वॉकिंग फ्रीज, डीप फ्रीजर, आइस लाइन फ्रीज, रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि कोल्ड चेन जो है ना और मजबूत हो पाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो अगेन जुड़ा हुआ है ऑक्सफर्ड वैक्सीन के साथ। यहाँ पे ऑक्सफर्ड के ट्रायल्स KEM हॉस्पिटल मुंबई में चल रहे, ऐसे में 101 लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया था, जिसमें सेकंड डोज लेने के लिए सिर्फ 95 जो वॉलंटियर्स हैं ना वो आए थे। 6 लोगों ने स्टेप बैक वहाँ पे कर लिया है, क्या रीजंस है वो एग्जैक्टली रिवील नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है फाइजर वैक्सीन के साथ। यहाँ पे फाइजर वैक्सीन जो है वो UK में लोगों को लगना स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे में कल जो है ना वो 4 लोगों में साइड इफेक्ट सामने आए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। और यहाँ पे क्या था उस पर बात करते हैं, बेसिकली टेम्पररी फेशियल पैरालिसिस का जो है वो उन्हें देखने को मिल रहा था। ऐसे में UK में ऐसा अनाउंस किया गया है कि अगर आपको कोई भी एलर्जी है तो आप थोड़ा डिस्टेंस अभी वैक्सीन से बनाए रखिए, ताकि फ्यूचर में पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस एलर्जी, कौन सी एलर्जी है तो ये वैक्सीन से दिक्कतें बढ़ती है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो हुआ इंडियन mRNA बेस्ड वैक्सीन। यहाँ पे फाइजर एंड मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। तो इंडिया में भी एक ऐसी वैक्सीन बन चुकी है और फाइनली DGCI ने कल उसको phase 1 के ट्रायल परफॉर्म करने के लिए क्लियरेंस जो है ना वो दे दिया है। कौन, किस कंपनी ने बनाई है, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है इन कॉपरेशन विद HDT बायोटेक USA। यहाँ पे US की कंपनी के साथ टाई अप करके ये वैक्सीन को इंडिया में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है कल की DGCI पैनल मीटिंग के साथ। तो बेसिकली 3 वैक्सीन ने इमरजेंसी अप्रूवल की रिक्वेस्ट की थी, फाइजर, ऑक्सफोर्ड एंड भारत बायोटेक। यहाँ पे फाइजर को अभी कंसिडर नहीं किया गया था कल की मीटिंग में, क्योंकि बेसिकली उसके जो एक्सपर्ट्स थे वो US में थे और वो कल मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। तो कल मीटिंग में फोकस किया गया था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ऊपर एंड सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की कोविशील्ड के ऊपर। यहाँ पे किसी भी वैक्सीन को अभी तक जो है वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन ग्रांट नहीं किया गया है। DGCI की जो पैनल मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये रिजल्ट आया है कि उन्हें और भी डेटा चाहिए। क्या डेटा चाहिए वो ऑलरेडी उन्होंने SII भारत बायोटेक के साथ शेयर कर दिया है। अब देखते हैं एग्जैक्टली कब आगे प्रोसेस जो है ना वो बढ़ती है। नेक्स्ट पैनल मीटिंग की कोई भी डेट जो है ना अभी तक रिवील नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जो है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ। जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैक्सीन है। तो उसके ट्रायल्स के रिजल्ट जो है ना वो नेक्स्ट मंथ तक बाहर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर वो जुड़ा हुआ इसराइल के साथ। इसराइल ने जो है वो फाइनली फाइजर का जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है वो रिसीव कर लिया है। आगे बढ़ते हैं लास्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है UK, बहरीन एंड कैनेडा के साथ। यहाँ पर फाइजर की वैक्सीन जो है सबसे पहले अप्रूव की थी UK ने, उसके बाद बहरीन ने की, और फाइनली कल जो है वो कैनेडा ने भी फाइजर बायोटेक की वैक्सीन जो है उसे अप्रूव कर दी है। आशा रखता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।